યુપીના પૂર્વ એમએલએ પવન પાંડે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેમણે રામ મંદિર પર ચર્ચા કરી હતી અને ગુજરાતને મોડેલ ગણાવ્યું હતું. देखिए, गुजरात तो अभी पूरे देश के लिए एक मॉडल है, उसमें कुछ कहना नहीं है. और हम इस लोकसभा चुनाव के बाद विश्वनाथ जी के बाद सोमनाथ दर्शन करने आए थे. हमने तो बहुत कुछ यहाँ अच्छी चीज़ें देखा. सिर्फ अगर कमी है तो सिर्फ थोड़े से पानी की कमी है जो हमने देखा और महसूस किया. और जब मैं जूनागढ़ से उधर गया तो काफ़ी हरियाली भी रही. गुजरात साफ़ सुथरा भी है और यहाँ के लोकल बहुत सारे मुद्दे तो मैं नहीं जानता, लेकिन विकास के मामले में जो मुझे देखने को मिला, मुझे लगता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक भी है और यहाँ के लोग बहुत सारे रूल को फॉलो भी करते हैं. तो मेरे लिए तो यूपी से आके यहाँ महसूस करना बहुत गर्व की बात है और हम बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं. देखिए, यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उसमें तो कई लोग बहुत पीढ़ियों से हैं. कुछ समस्याएँ पिछले समय में यहाँ रहीं वो आप भी जानते हैं. परप्रांतियों के साथ जो चीज़ें रहीं हैं मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जिनकी वजह से दिक्कतें आईं और हमारे परप्रांत वासियों ने उनकी बहुत अपने गांव के दुष्ट लोगों की हेल्प की. ये हिंदुस्तान पूरा एक अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में है. हम यहाँ 370 समाप्त करके कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं. हम बंगाल में तमाम तरीके से लड़ाई लड़ते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पूरा अपना खून पसीना बहा के हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि मोदी जी और शाह जी को पूरे देश ने गुजरात की तरह ही प्यार दिया है. तो हम सब आपस में एक ही हैं, एक राष्ट्र के बच्चे हैं. हमको देश हित में इकट्ठा होकर रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए. देखिए, राम मंदिर हमारे आस्था का प्रश्न है, कहना कुछ नहीं है. हम लोगों ने अभी चुनाव से पहले चंपत राय जी के नेतृत्व में अयोध्या में और पूरे देश में 14 जगह सभाएं की गई कि राम मंदिर बनना चाहिए. हम लोगों से किसी तमाम बात होने के बाद आरएसएस के प्रमुख और लोगों ने कहा कि इस चुनाव के बाद बहुमत आने पर राम मंदिर बनेगा. अभी हम लोग फिर अयोध्या में मीटिंग कर चुके हैं परसों, नर्सों की बात है. और फिर मैं वहाँ से काशी आके मैं सोमनाथ जी आ गया और सारे संतों को तैयार किया जा रहा है कि बातचीत करके सरकार से निश्चित किया जाए कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाया जाए कि वह फैसला अपना दें, चाहे वो समझौता कराएं और चाहे उसे मेरिट के आधार पर फैसला दें. क्योंकि यह मुकदमा टाइटल का मुकदमा है, लैंड किसकी है तो ये सभी जानते हैं. और कोर्ट ने भी फैसला दिया है, पुरातत्व विभाग ने भी यह बात साबित किया है कि रामलला इसी जगह पर पैदा हुए थे और उसे ज़बरदस्ती तोड़कर मस्जिद बनाया गया था. अब इसमें और किसी तरह की देरी होनी नहीं चाहिए, सरकार भी बहुमत में है. हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में राज्यसभा में भी बहुमत होगा और अगर मुकदमे से फाइनल हुआ तो फाइनल हुआ, नहीं तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा. अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे. विश्व हिंदू परिषद ईंट से ईंट बजाएगी लेकिन राम मंदिर का निर्माण अवश्य कराएगी. हम जब राम मंदिर के लिए आंदोलन करते हैं तो हम कोई राजनीति की बात नहीं करते, ये हमारी आस्था का प्रश्न है. मंदिर मस्जिद कहीं भी बदले जा सकते हैं लेकिन राम का जन्म स्थान बदला नहीं जा सकता. इसलिए सरकार के हम दबे नहीं हैं, न सरकार के हम अधीनस्थ हैं. सरकार को हमने मदद करके बनाया है और वो अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनसे बगावत भी करेंगे, हम उनके पीछे चलने के मजबूर नहीं हैं.